नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के अभियान में जुट गई हैं। एक ओर देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी लगातार चुनावी मोड में है, चुनाव जीतने के साथ अपना वोट शेयर बढ़ाने की लगातार कवायद कर रही है और अब ग्रामीण वोट बैंक को अपने खाते में रखने लोकसभा सीट के अनुसार टोलियां बनाई हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, वो भी हर बूथ 10 यूथ के फॉर्मूले पर चल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से उत्साहित, अब लोकसभा चुनाव जीतने के साथ अपना वोट बैंक बढ़ाने भाजपा लगातार नए प्रयोग करती आ रही है। 370 वोट प्रत्येक बूथ से मिले ये भी किया जा रहा है, तो अपने पाले में ग्रामीण वोट बैंक को बनाए रखने और बढ़ाने 29 लोकसभा सीटों पर लोकसभा टोलियां बनाई गई हैं, जिसकी तैयारियों की समीक्षा और बैठकें हाल ही में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष संगठन के पदाधिकारियों की अगुवाई में हुई है। अब बीजेपी लोकसभा के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगी है। नहीं देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर कभी नहीं चल सकती। वो सनातन विरोध और सनातन खत्म करने के उद्देश्य में लगे हुए हैं, वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से कदम ताल करते हैं, तो साथ कैसे हो सकता है। बाकी ये जो कागजी घोड़े जो दौड़ाती है तो उसका परिणाम भी हवा हवाई आता है और जनता उनको जमीन पर गिरा देती है। कांग्रेस का बूथ मंडल प्रकोष्ठ इन सबका कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस कहां से ये अभियान चलाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना कांग्रेस के पास कार्यकर्ता होगा ना कांग्रेस कोई अभियान चला पाएगी। वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य में लगातार जीत के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, लेकिन इसी बीच लगातार कांग्रेस बिखराव का भी सामना कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने संगठन में काफी बदलाव कर नई रणनीति तैयार की है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी धरातल पर वास्तविक रूप से नौजवानों को आगे कर रही है, चाहे वो हमारे टिकट वितरण में आप देखिए, जो भी 10 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं उसमें 50% बिलो 50 एज के हैं, आने वाली सूची में भी आपको उसी का समावेश मिलेगा। तो जब हम संगठनात्मक स्तर पे उनकी आवाज बनकर काम कर रहे हैं तो बूथ पर भी लड़ाई उनके समर्पण के दम पर हम लोग लड़ेंगे। इस बार देश में 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पिछले एक दशक से बीजेपी केंद्र में है, इस दौरान मोदी सरकार ने सनातन के साथ राम मंदिर, धारा 370 जैसे बड़े काम कर जनता के बीच अपनी एक अलग छवि गढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कुछ राज्यों की जीत को छोड़ कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाई है। भोपाल से TV24 के लिए GS गोविंद के साथ प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो सियासत, यूथ और बूथ, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से कर्नल ईशान आर जी मौजूद हैं। ईशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी इस चर्चा का हिस्सा है। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रितेश जी, बूथ पर यूथ, इस अभियान से किस तरह से कांग्रेस की रणनीति सामने आएगी? कि शुरू से कांग्रेस पार्टी जी जमीनी स्तर पर काम करती रही है, आम किसान की, आम नौजवान की, महिलाओं की, और जो कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति को। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे तब तो उन्होंने कहा जाए कंप्यूटर क्रांति से देश का स्वरूप बदला। ठीक उसी तर्ज पर चलते 1991 में देश के और विश्व के माने जाने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश जब गरीबी की मार झेल रहा था और देश के पास 2 हफ्ते से अधिक का राजकोष नहीं बचा था, उस समय उन्होंने सत्ता संभाली और पूरे देश को मंदी और संकट से उभार के लाए। उन्होंने विश्व के लिए भारत के दरवाजे खोले और भारत ने एक नई प्रगति की उड़ान भरी। आप चाहे इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देखिए, चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल देखिए, हम बूथ बूथ तक जाते गए। हमने पहले तो संगठन गढ़ा, संगठन के बाद हमने देश को गढ़ने का काम किया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है। हमने सिर्फ राम मंदिर का ढिंढोरा पीट के, हमने सिर्फ खाली बातों से चना भाड़ के, हमने सिर्फ बातों से पहाड़ बना बनाकर देश को कभी चलाने का काम नहीं किया। आज इस सरकार ने देश को हर जगह पर नीलामी के ठोक दिया है। आपने देखा कि फरवरी 2019 में देश के ऊपर 40
आतंकवादियों देश के 40 जवानों को पुलवामा में मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस मुंह से देशभक्त पार्टी कह सकती है? आपने देखा कि अप्रैल में इसी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाकिस्तान की कंपनियों से 40-40 करोड़ रुपए का चंदा दिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री देश के शहीदों के नाम पर खुले मन से वोट मांगते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पे काम करती है, संगठन पे काम करती है, गरीब किसान की आवाज को जिंदा करने का काम करती है, मजदूरों की आवाज को जिंदा काम करने का काम करती है। और वास्तव में मानस पटल पे भगवान राम जिसको राम राम करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा राम अर्थात राष्ट्र मंगल की कामना को साकार करने वाली पार्टी यदि कोई है देश में तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र लोगों के साथ छलावा किया है और अब इनका झूठ की पोल कहीं ना कहीं खुलने लगी है। आज इनके अपने लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो दिन हमें देखने को मिलेगा। अभी आपने मैंने कल देखा कि किस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी 5 किलोमीटर तक अटल जी की पार्थिव शरीर के साथ साथ चले गए और उनके 5 शब्दों को अपने जीवन में आचरण में अपने उनको जी रीति जी चलिए रितेश जी से फिर से संपर्क करेंगे, तब तक जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। जी कर्नल ईशान जी आपका रुख करना चाहूंगा, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर छलावे का आरोप लगाती है लेकिन अब ये जो नया अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है बूथ पर यूथ को जोड़ने का, क्या लगता है जो बीजेपी का टारगेट था कि हर बूथ से 370 तो लाने ही है आगे वोट, ये अभियान किसी तरह से प्रभावित कर पाएगा आपके अभियान को? देखिए कांग्रेस का जी 16,000 लोगों को छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि वो जो है बूथ स्तर पर पहुंच के वो जो है बना पाएंगे तो मुझे इसमें कोई भी विश्वास करने योग्य बात नहीं है। इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं ये बूथ पे जो है यूथ ले आएंगे। खैर इन्होंने एक चीज कही कि छलावा और राष्ट्रभक्ति और इन सब बातों पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा इनको कि 2014 का चुनाव हो गया, जनता ने हमें वोट दिया और हमारी सरकार बनवाई 2019 में बनवाई और अभी 2024 में पुनः बनवाएगी। तो मुद्दा ये है, मैं एक प्रश्न सिर्फ कांग्रेस से पूछना चाहता हूं जी। विरोध की राजनीति और इतिहास का ढिंढोरा पीटने के अलावा आपका विजन देश को लेके भविष्य के लिए क्या है? झूठे वादों के अलावा आपका विजन है ही नहीं कुछ, खाली विरोध की राजनीति कर रहे हैं कि जो है भाजपा ने ये कर दिया। भाजपा ने जो भी कहा उसको ग्राउंड पे करके दिखाया, कोई छलावा जनता के साथ नहीं हुआ है, इसीलिए जनता लगातार हमें अपना आशीर्वाद देती आ रही है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम सामने दिख रहा है। इसलिए उस विषय पर कांग्रेस बोलने का अधिकार खो चुकी है, कैंडिडेट खोज ले वही बहुत है, बूथ पर यूथ कहां से लाएगी ये उनकी कल्पनाओं में ही रह जाएगा, खाली कागजी घोड़े दौड़ाते रहेंगे और कुछ नहीं हो। चलिए इस विजन पर मैं जरूर जवाब लूंगा त्रिपाठी जी से, मगर उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी दोनों ही दल अपने अपने अभियान चला रहे हैं बूथ स्तर पर, किस तरह से आपका विश्लेषण इन दोनों दलों के अभियानों को देखता है, कितना अहम आप इसे मान रहे हैं? अपनी 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 दृष्टि से दोनों दलों को लगता है और दोनों दलों के लिए ये जरूरी है जो अभियान चला रहे हैं जी। लेकिन अगर हम इसको बहुत बारीकी से देखें और गौर करें जी। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो अभियान चलाने की स्थितियां या जो भीड़ है के मामले में बीजेपी उसमें आगे है, बीजेपी तकरीबन 1.5 महीने से अभियान चला जी, वो गाँव गाँव रात्रि विश्राम होती है, वो बहुत सारी चीजों पर भाजपा ने काम कर लिया है। लेकिन भाजपा के लिए करना बहुत आसान है इसलिए भी क्योंकि उसके बाद पहले से संगठन का एक बड़ा ढांचा है और वो उसी संगठन से अभी वो विधानसभा का चुनाव बड़े पैमाने पे जीत चुके, तो उनके पास संगठन का ढांचा, कार्यकर्ताओं का उत्साह और सत्ता होने की वजह से अपर हैंड हर काम में उनके पास अपने आप बन गया है, तो ये स्थितियां है इसलिए वो उनका अभियान आगे लगता है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के साथ यही चीजें थोड़ा सा नुकसान की है क्योंकि वो बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं तो कार्यकर्ता उनके हताश हो गए हैं और दूसरा उनका संगठन अभी खड़ा नहीं हो पाया है क्योंकि चुनाव के बाद परिवर्तन हुआ, कमलनाथ को पद छोड़ना पड़ा पर नए अध्यक्ष जो अभी तो पूरा संगठनात्मक ढांचा नए तौर पर नहीं खड़ा, तो ये जो नुकसान कांग्रेस को शुरुआती तौर पर हुआ है वो तो हुआ है। अब कांग्रेस जो उसको कवर करने की कोशिश कर रही है, जो
यूथ बूथ पर यूथ खड़े कर रही है या लोगों कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, तो वो उसके लिए जरूरी है और मुझे लगता है लेट है, लेकिन जैसा भी शुरू किया गया है तो ठीक है। अभी जो कि पहला चरण है और अभी चुनाव बहुत लंबा है, 70-80 दिनों का चुनाव, तो कांग्रेस इस बीच में अपने विधानसभा चुनाव के दौरान जो नेटवर्क बूथ बूथ मजबूत करने के उसने दावे किए थे, यदि उसको भी वो खड़ा कर लेती है, उसको रिवाइव कर लेती है, तो भी चुनाव में उसको एक बड़ा सहारा मिल जाए। लेकिन दो बातें हैं इन दोनों पार्टियों के साथ कि भाजपा हमेशा संगठनात्मक कामकाजों से ही चुनाव लड़ती है, जीतती है, और वो उसके चुनाव जो है 12 महीने 7 दिन चलते हैं, तो वो उनके लिए नया है। कांग्रेस में ये चुनाव के समय इस तरह की गतिविधियां ज्यादा होती हैं, और कांग्रेस का चुनाव लड़ने का और कांग्रेस का राजनीति करने का तरीका भाजपा से अलग है जी। और वो अलग है, ये विविधता है, इसीलिए मध्य प्रदेश में दो पार्टी अलग अलग साफ तौर पर नजर आ जी। ठीक है, रितेश जी से जवाब ले लेते हैं। रितेश जी, जैसा कि बीजेपी ने कहा कि विजन क्या है कांग्रेस का, एक तरफ पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं, ऐसे में यूथ को किस तरह से जोड़ेंगे आप, विजन कांग्रेस का स्पष्ट नहीं है। दूसरा सवाल जो आशीष जी ने भी यहां पर बात कही है कि केवल क्या चुनाव के समय ही कांग्रेस की सक्रियता देखने को मिलती है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का जो विजन मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने जहां एक तरफ अर्थ पे काम किया, हमने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम किया, 1991 रहा हो चाहे राजीव गांधी जी का दौर रहा हो चाहे पीवी नरसिम्हा राव का, हमने ग्लोबल मार्केट की तरफ भारत को आगे बढ़ाया, और ये वो दौर था जब भारत में सिर्फ गप्पों के तीर नहीं छोड़े जाते थे बल्कि उन अंतरराष्ट्रीय संधियां की जाती थी, भारत के द्वार दूसरे देशों के लिए खोले गए थे, ग्लोबल मार्केट में भारत का प्रवेश करवाया गया था। दूसरी तरफ आपने बात कही है संगठनात्मक चर्चा आपने की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विजन की बात, अगर भाजपा के विजन की बात की है तो भाजपा के पास विजन के नाम पे मात्र एक विजन है, वो है टेलीविजन। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे टेलीविजन में जो एंकर हो या जो जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनको अपने काम में एसोसिएट करके उनके माध्यम से अपनी प्रचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अब रही बात संगठन की, तो आपने देखा कि जीतू पटवारी जी के आने के बाद उन्होंने गांव गांव घर घर का दौरा किया, पूरे प्रदेश में घूमा है, वही दूसरी तरफ देश में महात्मा गांधी जी के प्रति दूसरा कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है जो दरभंगा हो चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पुणे हो चाहे लातूर हो चाहे दिल्ली हो और यहां तक कि कश्मीर तक पहुंचकर पैर पैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर एक एक व्यक्ति से इंटरेक्शन करने की कोई ताकत रखता है तो मात्र राहुल गांधी रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी कुबेरों की पार्टी बन चुकी है, उन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र को मार दिया है। देश में दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल के पीछे कर देना और फिर चुनाव लड़ना, दूसरी तरफ आपको जनता जवाब दे रही है। आप जिस पार्टी के साथ आपने अभी तक हरियाणा में 4 साल तक सरकार चलाई, आज वो पार्टी आपको छोड़कर जाने में मजबूर है। आपके दो दो तीन तीन सांसद इस इतने मजबूत ढांचे के बावजूद आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपको जनता आपकी औकात दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात, आपने पिछले दिनों देखा चंडीगढ़ में किस तरह चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया, कैमरे के सामने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रही है। जब देश का प्रधानमंत्री मात्र विजन के नाम पर टेलीविजन में सिमट गया हो और इनका कार्य मात्र बैठके करके और जो जनता का पैसा जो जनता की कमाई है, इन्होंने कभी कहा था वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, आज किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, बेरोजगारी की दंश देश झेल रहा है, इस समय पर इनके पास मात्र चुनाव जीतने के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं रह गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, क्या सरकार बनाने के लिए सिर्फ हमने सत्ता सौंपी थी? ये आज से 10 साल पहले जब सत्ता में आए थे मेरे साथी कर्नल जी बोल रहे थे कि 2014 में हमने सरकार बनाई, बिल्कुल आपने सरकार बनाई, 2019 में हमने सरकार बनाई, बिल्कुल आपने सरकार बनाई, और आपको एक गरीब आपको इस बात का बहुत अहंकार है कि हम 2024 में भी सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का भोजन अहंकार है, बड़े बड़े लोगों का अहंकार एक ना एक दिन तार तार हो गया है। आने वाले समय में जिस जवाब ले लेते हैं खिलवाड़ कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कह रही है कांग्रेस, जवाब दीजिए कर्नल निशान जी करके आप अपना पेट भर रहे हैं। कर्नल सर जवाब, आने वाले समय में आपको जनता आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगी। जवाब ले लेते हैं। रही बात संगठन की तो कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त हो चुकी है। चलिए, क्या ऐसा है, धरातल पर है कर्नल जी, जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है? कैसे बूथ मजबूत करेंगे फिर? जी देखिए, फिर वही वाली बात आती है कि हमने पूछा विजन, बात होने लगी राजीव गांधी जी के समय की और मनमोहन सिंह जी के, आगे क्या दृष्टिकोण है देश को चलाने के लिए, आप किस आधार पर सरकार में आने की मंशा रखते हैं, उस पर कोई बात नहीं। खैर, अभी बात आती है कि भाई कांग्रेस युक्त हो गई भाजपा के साथ, जो भी व्यक्ति
हमारी विचारधाराओं में से अपने को समर्थ पाता है वो यहां भाजपा में, उसका स्वागत है। अब कांग्रेस युक्त हो गए, आप सोचिए आप कहां रह गए हैं, आपके 16,000 कार्यकर्ता और नेतागण मध्य प्रदेश में आपको छोड़कर चले गए जी, आपके साथ बचा कौन है? अभी तो आप खाली अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व खोजना पड़ रहा है आपको कि करें क्या। ठीक है, हमने 2014 में सरकार बनाई, 19 में बनाई, हम 2024 में भी जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे, ये अहंकार नहीं होता है, ये अपने कामों को, किए हुए कार्यों को, सभी योजनाएं जो सफलतापूर्वक हमने पूर्ण की और जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा उन वादों पे हम खरे उतरे हैं, तब हम जनता के आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं। इसमें अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है महाराज, ये हमारा विश्वास है जनता के प्रति, हमने जो अपनी कर्मठता दिखाई है उस पे विश्वास है, अपनी जनता पर विश्वास है, ये अहंकार नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, यूथ क्या चाहता है, जिन पर आज की हमारी डिबेट भी है, और यूथ क्या यही चाहता है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया, इतिहास से उसे रूबरू होना है, बहुत हद तक तो हो भी चुका है, लेकिन क्या वो ये चाहता है कि केवल सनातन का मुद्दा इस देश में रहे, यूथ की नब्ज क्या है? देखिए, सनातन का मुद्दा जो है वो मेरे हिसाब से मुद्दा नहीं है जी। वो एक जो देश के अंतर 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 चेतना में जो व्यक्ति में जो धाराएं हैं, ये वो सब चीजें हैं जी। ये कभी चुनाव जीतने का मुद्दा बनना नहीं चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव जीतने का मुद्दा होना हो सकता है जी। ये एक आंतरिक विषय है, एक आंतरिक धारा है जो लोगों के मन में चलती है, लेकिन इससे सरकारें बनना बिगड़ना थोड़ा सा मुझे लगता है, अगर ऐसा होता है तो ये भी एक किस्म से अच्छा नहीं होगा जी। मुद्दा जो है वो है यूथ, मध्य प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो या पंजाब हो, इस सब जगह जो मुद्दा है देश का मुद्दा है यूथ, क्योंकि भारत जो है देश में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है जी। तो उनके मुद्दे लाजमी है कि वो महत्वपूर्ण होने चाहिए। भाजपा ने इस पर काम किया है, स्टार्टअप और जैसी चीजों पर उनके दावे हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, और कांग्रेस जो सनातन के मुद्दे पर और दूसरे मुद्दे पर, यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसी स्थितियां हैं, तो ऐसा नहीं है। खुद कांग्रेस के हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने थोड़े दिनों पहले ही 15-17 दिन पहले अच्छी योजना पेश की है, जिसका प्रचार भाजपा कांग्रेस के लोग भी नहीं कर पाते हैं। वो एक योजना एक ऐसी थी जिन्होंने यूथ को पहली नौकरी पक्की देने का भी वादा किया था, यूथ के लिए 5 गारंटी दी। तो इसका मतलब ही है कि कांग्रेस का एजेंडा यूथ है जी। तो और वो मुद्दा देश का मुद्दा भी है, इसलिए क्योंकि उसको भाजपा भी स्वीकार करती है इस मुद्दे को और कांग्रेस। तो ये मुद्दे तो पहले ही सेट हो चुके हैं चुनाव में, जरूरी यह है कि कांग्रेस ये कोशिश करे कि जो उसने मुद्दे खड़े किए हैं, भाजपा उस मुद्दे पर बात करे, उस पिच पर आकर खेलने की कोशिश करे। अगर कांग्रेस भाजपा की पिच पर खेलने चली जाएगी सनातन के मुद्दे पर और दूसरे मुद्दों पर, तो फंस जाएगी, रनआउट हो जाएगी। आऊंगा रितेश जी, इसलिए ये जरूरी है कि वो अपने मुद्दे पे, कांग्रेस में जो गारंटी और जो चीजों का एक नया संजाल पेश किया है उसको और लोगों तक पहुंचाए। और उसमें दूसरी बात है ये है कि जो कांग्रेस युक्त भाजपा की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर भाजपा कॉर्डर के जो पुराने लोग हैं वो इसको लेकर चिंतित रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि असली सिक्के आप हो, कलदार सिक्के आप हो जी। इसका मतलब है कहीं कहीं पर लोग भाजपा कार्यकर्ताओं में, पुराने लोगों में अनरेस्ट है, लेकिन चुनाव जीतने और जंग, यानी चुनाव और जंग में जो सब जायज होता है ये वो सिद्धांत है। भाजपा एक माइंड गेम खेल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़। कांग्रेस यदि इस ट्रैप में फंसती है तो कांग्रेस के लिए ही मुश्किल होगी, भाजपा की जीत होगी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। तो भाजपा की तरह पॉलिटिक्स करने के लिए कांग्रेस को अपने मुद्दों पे भाजपा को लाना पड़ेगा, ये कांग्रेस की जीत होगी मुद्दों के मामले में, और ये चुनावी जो लोकतंत्र है या जो है ये उसकी सही एक ठीक है जी योजना। बिल्कुल रितेश जी, जवाब दीजिए, क्या बीजेपी के माइंड गेम में कांग्रेस फंस चुकी है? मैं कहना चाहता हूं, बार बार मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर्नल साहब कह रहे हैं कि हमने, इनने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज यही बात मैं भी इनसे कहना चाहता हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर क्या कह के आई थी, याद करिए, क्या इनके पास आज हिम्मत है कि देश में एक भी बैनर लगवा पाए?
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। क्या इनके पास हिम्मत है ये कह सके कि हमने एक भी रत्ती किसी भी ऑफिस में भ्रष्टाचार कम किया? आज थाने बढ़ रहे हैं, आज राजस्व विभाग बढ़ रहा है, आज तहसीली बढ़ रही है, दलालों और एजेंटों ने पूरे देश को, पूरे प्रदेश को अपनी कब्जे में ले लिया है। ये कहते थे महंगाई हम खत्म कर देंगे, सिलेंडर 500 में लाएंगे, आज सिलेंडर 1200 के ऊपर जा चुका है। कहते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, आज किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की आत्महत्या की संख्या दुगनी हो गई है, डीएपी की कीमत दुगनी हो गई है। ये कहते थे हम डीजल और पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, आज पेट्रोल कंपनी 60 भी हुआ करता जब सत्ता में आए थे, आज पेट्रोल 120 के ऊपर जा चुका है। ये कहते थे कि हम संगठन बनाएंगे, मैं कहता हूं यदि आपके पास इतना बड़ा संगठन है तो आपको क्या जरूरत है कि कांग्रेसी नेताओं के दिन रात हाथ पैर जोड़ने की? आप क्यों कांग्रेसी नेताओं के दिन रात हाथ पैर जोड़ रहे हैं? और आपका मूल कार्यकर्ता का शोषण हो रहा है, आपके मूल कार्यकर्ता चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे प्रदेश में हमारे कई ऐसे दिग्गज कार्यकर्ता जो आज हाशिए पर हैं, आज आप ऊपर देख कर नीचे देखिए, इनका खुद का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह, इनके केपी यादव चुनाव जीत कर आए, आज इन्होंने उनको हाशिए पर डाल दिया, आज वहां से दुर्गा सिंधिया को टिकट दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस की योजनाओं की बात करते थे, हमने पहले भी देश को उबारा है, आज भी हम देश को नई स्थिति पर लेके जाएंगे, इनने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन पार्टी कहती, सनातन वालों की पार्टी कहती है, जिन जिन महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, जो लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह के आने वाले लोग, आज हर मिनट प्रदेश में एक युवा आत्महत्या करने को मजबूर है, कहते हैं पकौड़े तल लो, इनके लड़के खुद तो जवाब ले लेते हैं तमाम आरोपों पर आपका। जी कर्नल जी जवाब दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, हर तरह की देश में 87% देश में 87% स्टार्टअप ने बंद करवा दिए हैं। आप क्या मौका दिया गया प्रधानमंत्री कहते हैं गारंटी लोग गरीबों को बात रखने का जवाब भी ले लेते हैं। जी कर्नल जी आपकी बात जारी रखें। जी देखिए ऐसा है कि आपने आरोप लगाया तो सुनने का भी क्षमता रखिए ना, सुनिए उसको। आपने कहा कि भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, थाने के बारे में बोल दिया, हर जगह के बारे में बोल दिया, कितने इस तरह के केस में आप मेरी बात से सहमत नहीं है क्या? आप मेरी बात से सहमत नहीं क्या? भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, डिबेट करा लीजिए विकास जी। कर्नल जी, जी जी आपकी बात जारी रखें। से डिबेट हो नहीं सकेगी, नहीं नहीं आपकी बात बीच में ना बोले, मैं बारी बारी से बोलिए तो ठीक है। जी आपकी बात रखें। मेरा ये कहना है कि आप सभी तरह के आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा, आपको लगेगा कि बार बार यही दोहरा रहा हूं। आरोप आप लगा रहे हैं, आपने मेरे कोर्ट को जरूर बोल दिया, मेरा क्या कोर्ट था? मैंने कोर्ट को उद्धृत किया था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप प्रमाण तो कुछ दीजिए, हवा में बोलने से नहीं। इतने सारे प्रमाण दे दिए, देश की जनता आपको प्रमाण दे रही है, देश में होने वाला भ्रष्टाचार आपको दे रही है, आपको पूरा मौका दिया गया था इस तरह से जी को बोलने का, समझ रहे हैं आपको सामने प्रमाण क्या हो सकता है आपको? यही ठीक है कर्नल जी आपकी बात जारी रखें। रितेश जी आपको पूरा मौका दिया गया था बोलने का। जी कर्नल जी आपकी बात रखें जल्दी। जी ठीक है विकास जी, ऐसा है कि जो इस तरह से डिबेट नहीं होती है, बीच बीच में डिस्टर्ब करके नहीं चल सकती है डिबेट। सुनिए आप, मैं पूरा सुन रहा हूं, आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं ना। जी जी तो आप सुनिए उस जवाब को, आप सहमत नहीं है वो दूसरी चीज है। देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, ढिंढोरा अपने इतिहास का पीटना बड़ा आसान होता है, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, उसकी बात आप जो है लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में अगले 5 साल में आप सरकार बनाने की मंशा रख रहे हैं, आप क्या करेंगे ये कहीं नहीं बता रहे हैं। आप खाली आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, कितने केसेस आपने फाइल किए आपकी पार्टी ने? कहना क्या आसान है? आप सभी संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं, आप सनातन को का विरोध करते हैं, आप राम को काल्पनिक बताती है आपकी पार्टी, और आप हमसे बहस कर रहे हैं सनातन के विषय में, राम की परिभाषा चेंज करके आप कुछ और बताते हैं, राम पद गमन के बारे में आप अनाप शनाप बोलते हैं, हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, आप सनातन की बात करेंगे? आप कहते हैं कि लड़कियां छेड़ने जाते हैं आप मंदिरों में हिंदू, ये आपके नेताओं का वक्तव्य है? आप कौन सी बात कर रहे हैं सनातन की? आप हक नहीं है आपको सनातन के बारे में कुछ भी बोलने का। चलिए तो कहीं भी डिबेट जब शुरू होती तो सनातन पर जरूर खत्म होती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ डिबेट लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।